आज हम प्लान देखेंगे 13 फीट बाई 80 फीट का। तो जो घर का लेंथ हमारा वो 13 फीट का है 13 फीट का है और जो ब्रेथ है वो 80 फीट का है। आप देख सकते हैं पूरा हमारा 80 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये फ्रंट हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में रोड आएगा, फ्रंट से आपको वेंटिलेशन मिलेगी, एयर मिलेगी और लाइट मिलेगी, और बाकी जो तीनों साइड है वो तीनों साइड क्लोज्ड आएंगे, वो तीनों साइड घर आएंगे। तो गाइस आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है यहाँ 13 फीट के साइड से, तो एंटर करते हैं हम 4 फीट के दरवाजे से। हम एंटर करते हैं हॉल के अंदर, तो हॉल का जो साइज है वो 12 फीट इंटू 11 फीट का है। जो लेंथ है हमारी वो 12 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 11 फीट की है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो दिया हमने, एक विंडो हमारी यहाँ पे और एक विंडो यहाँ पे। ये दोनों विंडो हमारी यहाँ फ्रंट साइड में खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। हॉल के आगे हमारी यहाँ पे ये स्टेयर्स दी है सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। सीढ़ियों के नीचे की जगह को हम यूज करने वाले हैं स्टोरेज एरिया के लिए। और आप देख सकते हैं सीढ़ियों के दोनों तरफ से हमारा ये पैसेज गया है, 3 फीट का रास्ता है आगे अंदर घर में जाने के लिए। तो हम इस साइड से भी घर में जा सकते हैं और इस साइड से भी घर में जा सकते हैं। तो हम इस साइड से आगे जाएंगे तो आगे जाके हमारा यहाँ पे ये 2 फीट 6 इंच का दरवाजा आता है, इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। तो बेसिकली हमारा ये टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया है, इसका जो साइज है वो 5 फीट 4 इंच इंटू 3 फीट 6 इंच का है। जो लेंथ है वो 5 फीट 4 इंच की है और जो ब्रेथ है वो 3 फीट 6 इंच का है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये खिड़की हमारा यहाँ OTS के अंदर खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसे हम बाहर आए तो इस तरफ जो हमारा पैसेज गया है, ये पैसेज में यहाँ पे ये दरवाजा दिया है 2 फीट 6 इंच का, इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। तो हमारा ये सेकेंड टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया है, इसका जो साइज है वो 3 फीट इंटू 5 फीट 6 इंच का है। जो लेंथ है वो 3 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 5 फीट 6 इंच की है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये दोनों खिड़की हमारी यहाँ OTS के अंदर खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इतना बड़ा सा OTS प्रोवाइड किया है। तो जो इसका साइज है वो, इसकी जो लेंथ है वो 2 फीट 6 इंच की है और जो ब्रेथ है वो 5 फीट 6 इंच का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किचन की भी विंडो ओपन की है तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा हर जगह, जो जो विंडो यहाँ पे ओपन होगी। तो OTS जो होता है वो ओपन टू स्काई एरिया होता है, ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसके आगे हमारा किचन एरिया आता है, तो जो दोनों पैसेज है वो आगे हमारा यहाँ किचन एरिया में आता है। तो जो किचन एरिया का साइज है वो 12 फीट इंटू 13 फीट का है, जो लेंथ है वो 12 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 13 फीट की है। तो बेसिकली ये जो हमारा एरिया, ये किचन प्लस डाइनिंग एरिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ हमने यहाँ पे ये किचन एरिया बनाया है और स्टोरेज यहाँ पे रखा है और यहाँ पे, और इस तरफ हमने यहाँ डाइनिंग टेबल लगाया है दीवार के साथ अटैच, तो आप यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है और ये खिड़की हमारी यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा किचन के अंदर। किचन से हम आगे जाए तो आगे हमारा ये 3 फीट का पैसेज है, तो यहाँ पे हमारा ये सिंगल पैसेज हो जाता है। पैसेज के अंदर यहाँ पे ये 3 फीट का डोर दिया है, दरवाजा दिया है, इसे हम अंदर जाएंगे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो इसका जो साइज है वो 9 फीट इंटू 9 फीट 6 इंच का है, जो लेंथ है वो 9 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 9 फीट 6 इंच की है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया, आप देख सकते हैं बड़ा सा विंडो, तो
तो ये विंडो हमारा यहाँ सेकेंड ओटीएस है, ये दूसरा ओटीएस है, उसके अंदर ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम से हम बाहर आए तो पैसेज के आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे ये दूसरा दरवाजा दिया है, इसे हम अंदर जाएंगे डब्ल्यूसी प्लस बाथ एरिया के अंदर। तो ये हमारा थर्ड टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया है। इसका जो साइज है वो 5 फीट 6 इंच × 3 फीट 6 इंच का है। जो लेंथ है वो 5 फीट 6 इंच की है और जो ब्रेथ है वो 3 फीट 6 इंच का है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये खिड़की हमारी यहाँ पे ये ओटीएस के अंदर खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसे हम बाहर आए तो पैसेज के आगे यहाँ पे ये तीसरा दरवाजा दिया है 3 फीट का, इसे हम अंदर जाएंगे सेकेंड बेडरूम के अंदर। तो इसका जो साइज है वो 9 फीट × 9 फीट का है। जो लेंथ है वो 9 फीट की है और जो ब्रेथ है वो भी 9 फीट की है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो हमने दिया है, एक विंडो यहाँ पे और एक विंडो यहाँ पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बड़ा सा कबर्ड दे दिया है तो इसलिए यहाँ पे ये विंडो हमारा क्लोज हो गया। अगर आपको कबर्ड नहीं देना है, छोटा कबर्ड देना है, या फिर आप इतने एरिया में कबर्ड दे सकते हैं तो आप इस विंडो को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे विंडो हमारे यहाँ पे ये ओटीएस के अंदर खुलेंगे तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो हमारा ये दूसरा ओटीएस है, इसका जो साइज है वो 3 फीट 2 इंच × 3 फीट 6 इंच का है। जो लेंथ है वो 3 फीट 2 इंच का है और जो ब्रेथ है वो 3 फीट 6 इंच का है। इसे हम बाहर आए तो पैसेज एरिया के लास्ट में ये बड़ा सा 3 फीट का दरवाजा दिया है, इसे हम अंदर जाएंगे मास्टर बेडरूम के अंदर। यानी इसके अंदर हमारा अटैच होगा टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। ये जो बेडरूम का साइज है वो 12 फीट × 9 फीट 8 इंच का है। जो लेंथ है वो 12 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 9 फीट 8 इंच का है। और इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये ओटीएस दिया है, ये विंडो दिया है, तो ये विंडो हमारा यह ओटीएस के अंदर खुलेगा। तो बेसिकली हमारा ये तीसरा ओटीएस है वेंटिलेशन के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मास्टर बेडरूम है तो इसके अंदर हमारा अटैच होगा डब्ल्यूसी प्लस बाथ एरिया। तो आप देख सकते हैं हमारा ये फोर्थ टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया है। इसका जो साइज है वो 5 फीट 6 इंच × 3 फीट का है। जो लेंथ है वो 5 फीट 6 इंच का है और जो ब्रेथ है वो 3 फीट का है। और इसके अंदर भी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है, तो ये विंडो हमारा यहाँ थर्ड ओटीएस के अंदर खुलेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। और ये जो ओटीएस का साइज है वो 3 फीट 2 इंच × 3 फीट का है। जो लेंथ है वो 3 फीट 2 इंच का है और जो ब्रेथ है वो 3 फीट का है। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इतने ओटीएस क्यों प्रोवाइड किए हैं। तो गाइज बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये फ्रंट हाउस प्लान है, तो आपको सिर्फ फ्रंट में से वेंटिलेशन मिलेगा। तो आपको फ्रंट की विंडो से हॉल के अंदर वेंटिलेशन मिल जाएगा या स्टेयर्स तक वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसे हम आगे जाएंगे तो ये इस एरिया के लिए हमारा यहाँ पे ये ओटीएस प्रोवाइडेड है, तो यहाँ से इस एरिया में वेंटिलेशन मिल जाएगा। इसे हम आगे जाएंगे तो ये सेकेंड ओटीएस है, तो उसे दोनों बेडरूम और इस एरिया में वेंटिलेशन मिल जाएगा। और लास्ट वाले एरिया में हमने यहाँ पे ये ओटीएस प्रोवाइड किया है तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा। और गाइज आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ 4 टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया क्यों प्रोवाइड किया है। तो बेसिकली एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने ये प्लान बनाया है, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये प्लान बनाया है। होप करता हूं उनको ये पसंद आया हो। तो उनके रिक्वायरमेंट में ये था कि उनको 4 WC+ bath एरिया चाहिए, तो इसलिए हमने ये प्रोवाइड किया है। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। और हाँ गाइज अगर आपको इसका 2D वाला वीडियो चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट वाला, डायमेंशन वाला, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऊपर आई टैब में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा और लास्ट में जो सारे वीडियोस आएंगे वो यहाँ पे जो वीडियो रहेगा वो मिल जाएगा। अब वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा 2D प्लान में समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।